दोस्तों ब्रेन एक ऐसा कल्प वृक्ष है, आप इससे जो मांगेंगे वो सब मिलेगा, बस जरूरत है तो सही टेक्निक के साथ ब्रेन को थोड़ा सा सही ढंग से ट्रेनिंग देने की। और इस बात को साबित किया अमेरिका में जन्मी कॉन्टेस्ट क्वीन कहे जाने वाली हेलेन हेडसल ने, जिन्होंने अपनी लाइफ में 5000 से ज्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और हर कॉन्टेस्ट में हेलेन को जीत हासिल हुई। और उनकी इस जीत के प्राइजेस में शामिल थे अनेकों होम अप्लायंसेस, साइकिल, कैमरा, फर्नीचर, कार, कैश, देश विदेश की यात्राएं और यहां तक कि 4300 वर्ग फीट का एक शानदार घर भी। जी हां, सुनने में असंभव लेकिन सच। और ये सब कोई संयोग मात्र या भाग्य से नहीं था, ये सब उन्होंने किया एक सही मैनिफेस्टेशन टेक्निक से, और जिस टेक्निक को उन्होंने नाम दिया SPEC, स्पेक मेथड। हेलेन जिन्होंने अपनी इस अजीबोगरीब अद्भुत और विलक्षण क्षमता पर 1971 में द नेम इट एंड क्लेम इट नाम से एक बुक भी लिखी, जिस बुक में उन्होंने बताया कि पॉजिटिव बिलीफ, विजुअलाइजेशन, फीलिंग और एक्शन, ये वो चार चीजें हैं जिनमें किसी भी विचार को वास्तविकता में बदलने की अद्भुत क्षमता होती है और ये हर इंसान में मौजूद है। और स्पेक मेथड के जरिए हर इंसान केवल कॉन्टेस्ट ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है। और आज इस वीडियो में आप जानेंगे हेलेन हेडसल की वही सीक्रेट थ्योरी, वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक या शायद एक कार्ड जिसका इस्तेमाल कर हेलेन ने अपनी लाइफ में 5000 बार अपने विचारों को वास्तविकता में बदलकर एक अनोखा ही अद्भुत रिकॉर्ड बना डाला। स्पेक मेथड को समझने से पहले आपको जानना होगा हेलेन के इस अद्भुत सफर के कुछ खास हिस्सों को। हेलेन के इस अनोखे सफर की शुरुआत हुई 1958 से, जब उन्होंने नॉर्मन विंसेंट पील की लिखी बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग को पहली बार पढ़ा। और हेलेन अपनी सफलता का पूरा क्रेडिट इसी बुक को देती हैं। इस बुक में सबसे ज्यादा जिस बात ने उन्हें प्रभावित किया वो थी कि आप जो भी चाहते हैं वो पा सकते हैं, बशर्ते आपको ये एकदम स्पष्ट हो कि आप चाहते क्या हैं और बस फिर आप उसे होते हुए फील करें। वो इससे इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने तुरंत अपने हस्बैंड को ये बात बताई और पूछा कि आप अपनी कोई इच्छा बताओ कि आपको क्या चाहिए। उनके हस्बैंड के हाथ में उस समय एक न्यूज़पेपर था। उनके हस्बैंड ने न्यूज़पेपर में हेलेन को एक कोका कोला का कॉन्टेस्ट दिखाते हुए कहा कि वो अपनी बोट के लिए इस कॉन्टेस्ट में जीतने पर मिलने वाली इस मोटर को पाना चाहते हैं और जिसके लिए इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले को 25 शब्दों में ये बताना होगा कि कोका कोला क्यों पीनी चाहिए। हेलेन के लिए कोका कोला के बारे में कुछ लिखना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो खुद कोका कोला नहीं पीती थी। फिर उन्होंने अपने पति को उस बोट में कोका कोला पीते हुए इमेजिन किया और 25 शब्दों में एक स्लोगन लिखकर पोस्ट कर दिया और विजेता घोषित होने तक पूरे विश्वास और इमोशंस के साथ हर दिन वो अपनी जीत को विजुअलाइज करने लगी। उन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि वो जीत जाएंगी और हुआ भी वही, वो ये प्रतियोगिता जीत गई। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए एक साइकिल मैनिफेस्ट की, फिर डिज्नीलैंड का ट्रिप और फिर ये सिलसिला तेजी से चलने लगा। हेलेन ने कुछ ही वर्षों में हजारों कॉन्टेस्ट जीतकर ये साबित कर दिया कि एनीथिंग द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। ऐसा एक भी कॉन्टेस्ट नहीं था जिसमें हेलेन ने कभी पार्टिसिपेट किया हो और वो उस कॉन्टेस्ट में कुछ भी जीती ना हो। यहाँ तक कि कई बार उनके पति और बच्चों ने भी इसी टेक्निक के माध्यम से कई कॉन्टेस्ट जीतने में कामयाबी हासिल की। ऐसा ही एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा भी है। ये बात है जब हेलेन की उम्र 40 वर्ष होने में केवल 6 महीने बचे थे। हेलेन अपने 40वें जन्मदिन को स्पेशल बनाना चाहती थी, जिसके लिए हेलेन ने सोचा कि कितना अच्छा हो अगर वो अपने 40वें जन्मदिन पर अपने पति के साथ पेरिस घूमने के लिए जा सके। बस फिर क्या था, हेलेन ने अपने इसी विचार को वास्तविकता में मैनिफेस्ट करने का संकल्प ले लिया। हेलेन बताती हैं कि उन्हें इस बार ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि उनकी ये इच्छा किस कॉन्टेस्ट के माध्यम से पूरी होगी या उन्हें कहीं से इतना कैश प्राइज मिलेगा कि वो अपना जन्मदिन अपने हस्बैंड के साथ पेरिस में मना सके। उनकी इस इच्छा को पूरी करने का माध्यम क्या होगा, ये काम हेलेन ने यूनिवर्स पर छोड़ दिया। हेलेन के पास 6 महीने का समय था। हेलेन ने हर दिन पूरी फीलिंग के साथ खुद को पेरिस में अपने पति के साथ साइडवॉक कैफे में बैठे वाइन पीते हुए और वहां पेरिस में घूमते हुए विजुअलाइज करना शुरू कर दिया। और हेलेन अपनी बुक में लिखती है कि इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैं खुद को पक्का यकीन दिला चुकी थी कि मैं 100% अपने पति के साथ पेरिस जा रही हूँ। उन्हीं दिनों हेलेन ने 2 ऐसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया जिसमें जीतने पर या तो यूरोप का ट्रिप मिलने वाला था या फिर इतना कैश कि वो आराम से पेरिस जा सके और साथ ही वो अपनी प्रैक्टिस करती रही।
हेलेन को इनमें से एक कॉन्टेस्ट में तीसरा स्थान हासिल हुआ, जिसमें फर्स्ट प्राइज ट्रिप टू पेरिस था। लेकिन ऐसे में भी वो निराश नहीं हुई। उनका विश्वास जरा भी डगमगाया नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि परिणाम में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन फेलियर नहीं। और कुछ ही दिन बाद दूसरे कॉन्टेस्ट में उन्होंने एक व्यक्ति के लिए फर्स्ट क्लास ट्रिप टू वेनिस जीता। यानी कि दोनों ही कॉन्टेस्ट में उन्हें पेरिस का ट्रिप नहीं मिल पाया। लेकिन हेलेन अभी भी निराश नहीं हुई थी, क्योंकि हेलेन ने खुद को हमेशा 1 जून को ही पेरिस में देखा था, जो उनकी बर्थ डेट थी, और उसमें अभी 1 महीना बाकी था। और उन्हें अपने मैनिफेस्टेशन पर इतना अटूट यकीन था कि उन्होंने अपने पासपोर्ट के साथ पेरिस जाने की सारी तैयारी भी पूरी कर ली थी। लेकिन हेलेन इस बार इतना तो जरूर जान चुकी थी कि इस बार उन्हें ये ट्रिप किसी अन्य माध्यम से मिलने वाला है। तभी उन्हें पता चला कि उनके बेटे ने एक कॉन्टेस्ट में 2 व्यक्तियों के लिए फर्स्ट क्लास ट्रिप टू न्यूयॉर्क जीता है, और उसके बाद उनके पति के पार्टिसिपेट किए गए एक कॉन्टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया, जिसमें उनके पति ने फर्स्ट क्लास ट्रिप टू इटली जीता था। हेलेन और उसके पति यूनिवर्स का इशारा समझ चुके थे। अब उनके पास 2 प्राइजेस थे, एक फर्स्ट क्लास ट्रिप टू न्यूयॉर्क, जहां जाने से उनके होम टाउन टेक्सास और यूरोप के बीच की आधी दूरी तय हो सकती थी, और दूसरा फर्स्ट क्लास ट्रिप टू इटली। उन्होंने रिक्वेस्ट कर दोनों फर्स्ट क्लास टिकट्स को टूरिस्ट क्लास टिकट्स में कन्वर्ट करवा लिया, और उन्हें इसके साथ ही कुछ कैश रिफंड भी मिल गया। और फिर वे अपने बेटे के साथ पहले न्यूयॉर्क गए, और वहां से फिर पेरिस चले गए। और 1 जून हेलेन पेरिस में अपने पति के साथ साइडवॉक कैफे में बैठे वाइन पीते हुए अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। ये होती है पावर एक सही मेथड से मैनिफेस्टेशन की। हेलेन ने अपने इस सीक्रेट को कभी भी लोगों से छुपाया नहीं। वो इस पर लोगों को लेक्चर देती, उन्हें सिखाती कि कैसे उनकी लाइफ में मैनिफेस्टेड हर चीज उनके पॉजिटिव विचारों और अटूट विश्वास का ही परिणाम है। चलिए अब जानते हैं हेलेन हेडसेल के उस स्पेशल सीक्रेट के बारे में, जिसने उनके लिए हर बार काम किया और जिसे उन्होंने नाम दिया स्पेक मेथड, यानी कि सिलेक्टेड, प्रोजेक्टेड, एक्सपेक्टेड एंड कलेक्टेड। स्टेप 1 सिलेक्टेड। सबसे पहले आपको अपनी उस इच्छा यानी अपनी उस डिजायर को चुनना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, यानी कि वो एक विचार जिसे आप वास्तविकता में बदलना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, हैप्पी रिलेशनशिप, एक नई कार, नई जॉब, अच्छी सैलरी, कुछ भी। और साथ ही उस डिजायर को जितना हो सके उतनी ज्यादा डिटेल में उसके बारे में सोचें, जैसे हेलेन ने अपने 40वें जन्मदिन को डिटेल में सोचा था। नेपोलियन हिल का कहना था कि हर अचीवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट एक डिजायर होती है। स्ट्रॉन्ग डिजायर अच्छे रिजल्ट्स देती है, और वीक डिजायर हमेशा वीक रिजल्ट्स देती है। स्ट्रॉन्ग डिजायर जैसे 40वां जन्मदिन हेलेन के लिए बेहद खास था, और जिसे वो यादगार बनाना चाहती थी। लेकिन मैनिफेस्ट करने के लिए किसी एक लक्ष्य या इच्छा को चुनते हुए इस बात का ध्यान भी जरूर रखें कि ऐसी कोई भी डिजायर ना चुने जिसके पूरा होने पर स्वयं आपको ही भरोसा ना हो। इस टेक्निक के शुरुआती सफर में पहले छोटी छोटी इच्छाओं से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप अपनी कुछ छोटी छोटी डिजायर्स को इस टेक्निक के माध्यम से पूरा करने में कामयाबी पा लेंगे, तो आपके ब्रेन को इस टेक्निक पर विश्वास हो जाएगा, आपको खुद पर विश्वास हो जाएगा। फिर आप धीरे धीरे अपनी बड़ी इच्छाओं के लिए इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिम में मसल्स और स्ट्रेंथ एक दिन में नहीं बनते। शुरुआत हमेशा हल्के वेट से करनी पड़ती है, फिर निरंतर प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप बड़े वेट भी उठाने लगते हैं। हेलेन ने भी छोटी छोटी चीजों को मैनिफेस्ट करने से अपनी शुरुआत की थी, और जब उनका ब्रेन ट्रेंड हो गया तो उन्होंने 4,300 वर्ग फीट का एक घर तक इसी टेक्निक से मैनिफेस्ट करने में कामयाबी हासिल की। अपने गोल या डिजायर को निश्चित करने के बाद बारी आती है स्टेप 2 यानी प्रोजेक्टेड। इस सेकंड स्टेप में आपको योगा, ब्रीदिंग या मैनिफेस्टेशन करते हुए पूरी तरह से पॉजिटिविटी के साथ इमोशनली अपनी उस इच्छा के साथ जुड़कर हर दिन कुछ मिनट के लिए ऐसे विजुअलाइज करना है कि आपकी जो भी इच्छा है वो वर्तमान में पूरी हो चुकी है और आपने उसे पा लिया है। जैसे हेलेन ट्रिप टू पेरिस को मैनिफेस्ट करने के दौरान पूरी पॉजिटिविटी और अटूट विश्वास के साथ हर दिन कुछ समय के लिए खुद को अपने हस्बैंड के साथ पेरिस के एक साइडवॉक कैफे में बैठे वाइन पीते हुए वहां की मार्केट में घूमते हुए विजुअलाइज करती थी। बस अपने ब्रेन में ऐसे सीन क्रिएट करें कि आपकी वो इच्छा पूरी हो गई है, और शुरुआत में इस बात की चिंता ना करें कि आप सही कर रहे हैं या नहीं,
क्योंकि जरूरी ये है कि आप कितनी गहराई से अपनी उस इच्छा के साथ जुड़कर उसे विजुअलाइज कर पाते हैं। जितना ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी इच्छा के साथ इमोशनली जुड़ पाएंगे, उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा के मैनिफेस्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। स्टेप 3, एक्सपेक्टेड। इस स्टेप में आपको अपनी उस इच्छा से जुड़े सभी डाउट्स को बाहर निकाल देना है और दिमाग में उस इच्छा के प्रति किसी भी तरह के नकारात्मक विचार, कोई नकारात्मक फीलिंग या कोई शंका नहीं रखनी है, क्योंकि यदि आपके मन में उस इच्छा को लेकर कोई शंका है तो वो इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जहां शंका होती है वहां संभावनाएं कमजोर पड़ जाती हैं। आपको अपने डाउट्स के साथ डील करना आना चाहिए और अपने ब्रेन में अगर मगर या नेगेटिव विचार, डाउट्स और ऐसे प्रश्न ना आने दें कि आखिर ये होगा कैसे, लेकिन खुद से जबरदस्ती भी ना करें। अब इंसानी दिमाग, जिसने कभी मैनिफेस्टेशन की पावर को अनुभव ही ना किया हो, तो ऐसे में कभी कभार अगर मगर के साथ कुछ शंका और प्रश्न दिमाग में उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी भावनाओं के साथ जुड़ने की गलती ना करें। बस उन्हें बहती नदी की तरह देखें और बह जाने दें। यदि मैनिफेस्ट होने में समय लग रहा है तो अपने विश्वास को डगमगाने ना दें और भरोसा रखें कि भले ही उस इच्छा को पूरी होने में थोड़ा समय ज्यादा लगे, लेकिन वो इच्छा पूरी जरूर होगी। एलन के दिमाग में जब पहली बार इस विचार ने जन्म लिया कि वो अपना 40वां जन्मदिन पेरिस में मनाएंगी, तो वो नहीं जानती थी कि ये विचार वास्तविकता में कैसे बदलेगा। जब वो दोनों कॉन्टेस्ट में ट्रिप टू पेरिस को नहीं जीत पाई, तब भी उनका विश्वास डगमगाया नहीं और उन्होंने पेरिस जाने की अपनी पूरी तैयारी पर फोकस किया और अचानक परिस्थितियां बदलने लगी, रास्ते खुलने लगे। हेलेन कहती हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने किसी चीज का ऑर्डर कर दिया है और वो आपको मिलेगी ही मिलेगी बिना किसी शक के। अब बारी आती है स्टेप 4, कलेक्टेड। आपको अपनी उस इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले आपको उस इच्छा के एंड रिजल्ट पर फोकस करना है, यानी कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी वो इच्छा पूरी हो गई है और इच्छा पूरी होने के बाद आपको जो खुशी मिल सकती है उसे वैसे ही हर दिन फील करना है। वो इच्छा कैसे मैनिफेस्ट होगी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि यकीन सबसे जरूरी है। एलन का कहना था कि उन्होंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि जिस कॉन्टेस्ट में वो पार्टिसिपेट कर रही है वो कितना बड़ा है, कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एलन बस उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती और उसके बाद हर दिन अपनी इस टेक्निक से विजुअलाइज करते हुए अपनी इच्छा को निरंतर पॉजिटिव एनर्जी देती रहती और बिना शंका 100% यकीन के साथ अपनी इच्छा पूरी होने का इंतजार करती, और इसी तरह सालों साल वो हर कॉन्टेस्ट जीतती गई। इसीलिए यदि आप किसी इच्छा को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उस पर यकीन करें, और यदि आपका यकीन अटूट है और विचार पॉजिटिव, तो आपकी वो इच्छा देर सवेर जरूर पूरी होगी। दोस्तों, ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए जीवी जी के साथ जुड़े रहें, अपने सुझाव भेजते रहें और विचारों को वास्तविकता में बदलने वाले इस ज्ञान को और भीतर के अद्भुत ब्रह्मांड को आइए मिलकर खोजें। धन्यवाद।